और अब आगे बढ़ते हैं। यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक का मामला, यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई की गई थी, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने ही पर्चा लीक करा दिया। कर्मचारी सुनील की मदद से राजीव ने पर्चा लीक कराया। प्रयागराज से सुनील समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरओ एआरओ पेपर लीक का मामला, यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। इसकी छपाई भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में हुई थी और वहीं के कर्मचारी ने पर्चा लीक करा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, ऐसा लग रहा है कि हर कोई जिसके नजदीक में ये अहम पेपर जिनसे बच्चे अपनी जिंदगी बनाते हैं, अभ्यर्थी अपनी मेहनत के चलते अपना भविष्य बनाते हैं, उस पेपर के लीक करने में पैसा कमाने का जरिया ढूंढने लगा है। और ऐसे जरिए ढूंढने वाले अब धीरे धीरे करके ही जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक कड़ी सजा जरूर इनको दी जानी चाहिए अदालत के गलियारे में, अदालत के दहलीज पर ले जाकर। लेकिन अभिषेक सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, सारी बातें बताइए विस्तार से, एसटीएफ का क्या कहना है आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर। लेकिन ये बात भी जरूर बताइएगा कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि इस पर्चे की छपाई मध्य प्रदेश में जाकर करवानी पड़ी? क्या उत्तर प्रदेश और खास तौर पर लखनऊ या किसी बड़े शहर में इसकी छपाई नहीं हो सकती थी? राजीव, देखिए, पहले परीक्षा के प्रारूप को, एजेंसी को किस तरह से काम देती है संस्थाएं, उसको समझना होगा। किसी भी पेपर के तैयारी की शुरुआत सिर्फ 1-2 महीने पहले से नहीं होती, 1 साल तकरीबन लगता है, उससे ज्यादा का वक्त। जब पहले पेपर के सेट तैयार किए जाते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोफेसर को, अलग अलग टीचर्स को, अलग अलग ग्रुप्स को तैयार किया जाता है। तकरीबन 12 से 13 सेट तैयार किए जाते हैं और फिर उन 12-13 सेट में से 4 सेटों को अप्रूव किया जाता है कि हाँ, इनके क्वेश्चन पेपर, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। और फिर अथॉरिटीज ये तय करती है कि हाँ, ये प्रश्न पत्र होगा साल, इस साल के लिए, पिछले साल के लिए, अगले साल के लिए, और फिर हर साल ये प्रक्रिया उसी तरह दोहराई जाती है। उसके बाद बारी आती है प्रश्न पत्रों को छपने की। एक डिग्निफाइड एजेंसी जो सालों साल से काम कर रही होती है, हर एक प्रदेश में, यानी 6 से 7 प्रदेशों से ये लिस्टें मंगाई जाती हैं और फिर वहां पर काम कर रही इसी तरह की ग्लोरिफाइड एग्जामिनेशन को करा चुकी या इस तरह की बड़ी परीक्षाओं को संचालित करा चुकी इस तरह की एजेंसी से कोटेशन मांगे जाते हैं कि वो किस तरह से छापेंगे, किस तरह से पहुंचाएंगे, उसकी शुचिता को कैसे बरकरार रखेंगे, यानी परीक्षा का पेपर टेम्पर्ड ना होने की 100 में से 100% गारंटी लेंगे, इस तरह की एजेंसी को हायर किया जाता है। और फिर कई बार एजेंसी दूसरे प्रदेशों से भी होती है, जैसे इस बार हुआ, आरओ एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के पेपर को तैयार करने वाली एजेंसी, ये प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में थी। यहाँ सुनील रघुवंशी नाम के व्यक्ति को न सिर्फ तैयार किया गया बल्कि इस तरह से खरीद लिया गया और फिर उसने और 6 कर्मचारियों ने मिलकर ये पूरी घटना को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि यहाँ तक प्लान किया कि जब ये सब कुछ खुलता है यार तो क्या करना, यानी जो बात का प्लान था वो भी पहले से तैयार कर रखा था। हालांकि एसटीएफ ने 6 लोगों को, यानी सुनील रघुवंशी और 6 कर्मचारियों को भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है, अब बहुत विस्तृत पूछताछ होगी। लेकिन आपको बता दूं कि रवि अत्री का नाम जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षाओं में सामने आया, चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, इस तरह की परीक्षाओं में एक के बाद एक। और आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 900 पन्नों की एसटीएफ ने चार्जशीट बनाई है, 900 पन्नों में एक एक बात लिखी गई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। कई अंतरराज्यीय गैंग्स जो सालों साल से, यानी आप यकीन में नहीं कर सकते राजीव, तकरीबन 20 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह के मुकदमों का, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। रवि अत्री पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, नीट के मामले में भी उसका ही नाम खुलकर सामने आ रहा है और अब धीरे धीरे परत दर परत, कड़ी दर कड़ी ये सारी बातें खुलकर सामने आती जा रही है। ये पूरी पटकथा लिखने में, इसको संचालित करने में, यानी प्लानिंग और प्लॉटिंग को एग्जीक्यूट करने में कौन कौन लोग शामिल थे। जी राजीव, बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब हमारी आंकड़े हमारे फैसला आपका कि आज की इस पेशकश में फिलहाल